अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नेरुल के हनुमान मंदिर में शिवरात्रि की धूम, हजारों भक्तों ने की पूजा अर्चना। शिवरात्रि के पर्व पर नेरुल के सेक्टर 9 में पुरातन हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां सैकड़ों भक्तों और श्रद्धालुओं ने पुरातन दंड मारुति जागृत हनुमान मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए मंगल की प्रार्थना की। यहां वरिष्ठ समाज सेवक धर्मसिंह भाई पटेल और पुजारी ने भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए सबको शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। माँ शिवरात्रि की ओर से और नवी मुंबई की जनता को भगवान शिव, महादेव, जिसको देव का देव बोलता है, महादेव को देव का देव बोलता है, वो हमारी नवी मुंबई जनता को सुख शांति और समृद्धि, ऐसी हम भगवान शिव के पास प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। इसी भावना के साथ हमारे एक मारुति मंदिर छोटा सा हम लोग ने, जैसा ईश्वर साहब ने बताया कि है बहुत पुराना मंदिर है और वाकई में बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ के पहले यहाँ कुछ था ही नहीं, ये गाय चराने लोग जो आते थे, और हम लोग ने सब मिल के एक सोचा कि भाई भगवान का भी एक अच्छा मंदिर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने सबके साथ मिल के, इसमें हर छोटे से लेके बड़े आदमी का सहयोग है, और हम लोग कुछ न कुछ मंदिर के लिए, जहाँ आप उन नई मुंबई में भगवान ने इतना दिया है तो अपने भी कुछ भावना बनती है कि भाई कुछ न कुछ भगवान के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी छोटे छोटे मंदिर में कुछ न कुछ भाव भक्ति करते रहते हैं। इसी के साथ मैं आज महाशिवरात्रि के दिन निमित्त मैं नवी मुंबई की जनता को शुभकामना देता हूँ। शिवरात्रि का महापर्व शिव जी के उत्सव में मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि का मतलब है यानी रात का जन्म उत्सव। हम शिवरात्रि पावन पर्व पर मनाते हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, सदियों से मनाते चले आ रहे हैं।
ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था है और इस मंदिर में हम करीब 15 साल से इस मंदिर को अच्छी तरह से जानते हैं और ये हमारे यहाँ भक्त जो हैं तो बड़ी श्रद्धा से आते हैं और श्रद्धा के साथ इनको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। भक्तों की अच्छी व्यवस्था है यहाँ, कोई ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं, सब व्यवस्था अच्छे ढंग से आते जाते हैं और अपने बड़ी श्रद्धा के साथ शिव की पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, ऐसा हमारा विश्वास है, लोगों का भी मत है। यहाँ 15-20 साल से मैं हूँ, इससे ज़्यादा की बात तो नहीं जानता हूँ, 15-20 साल से लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, जो कि लोग अच्छे हैं, यहाँ सब जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब पूजा पाठ करते रहते, आते जाते रहते, टाइम से खुलता टाइम से बंद होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।